चैन से सोना है तो अब जाग जाओ। आपके चैन और सुकून के लिए रोज जागता है क्राइम रिपोर्टर। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार। 26/11 हमले को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन मुंबई को दहलाने वाले आतंकी अब भी भारत की पहुंच से दूर है। आखिर कब पकड़े जाएंगे 26/11 के गुनहगार? कब खत्म होगा मुंबई का इंतजार? पांच साल बाद भी मुंबई हमले के गुनहगार आजाद हैं। पाकिस्तान में बैठकर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को दहलाने की साजिश रचने वाले और माया नगरी में 10 ट्रेंड आतंकियों की घुसपैठ का खाका तैयार करने वाले दहशतगर्द अब भी न सिर्फ भारतीय रक्षा एजेंसियों की पहुंच से दूर हैं, बल्कि पाकिस्तान की सरपरस्ती में बेखौफ भी हैं। सारी दुनिया जानती है कि 26/11 हमले के सारे गुनहगार पाकिस्तान में हैं। हालांकि भारत कई बार उनके खिलाफ ढेरों सबूत पाकिस्तान को सौंप चुका है, लेकिन हर बार पाकिस्तान सबूतों को नाकाफी बताकर मोस्ट वांटेड आतंकियों को सौंपने से इनकार करता रहा है। हमने ये सब सबूत दे दिया है, उनको भेज दे दिए हैं। अभी उनका कहना है कि दैट इज नॉट सफिशिएंट, और भी कुछ उनको चाहिए तो वो देने के लिए हम तैयार हैं। मुंबई हमले का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी और जरार शाह लश्कर ए तैयबा के ये वो खतरनाक चेहरे हैं जो 26/11 के मुंबई हमले के बाद से ही पाकिस्तान में छिपे बैठे हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क ने आज तक इन्हें भारत के हवाले नहीं किया है। मुंबई हमले की साजिश रचने वालों में लखवी ने अहम किरदार अदा किया था। इस खूंखार आतंकी ने ही अजमल आमिर कसाब को महज 1.5 लाख रुपए देकर मुंबई हमले के लिए तैयार किया था। पाकिस्तान सरकार ने मुंबई हमले के बाद लखवी को गिरफ्तार तो किया, लेकिन भारत को सौंपने से इनकार कर दिया। 26/11 के आरोपी आज भी पाकिस्तान की सड़कों पर टहल रहे हैं, जबकि भारतवर्ष ने उनको एक डोसियर भी दिया है। सारे उनके खिलाफ जितने भी सबूत थे वो पाकिस्तान को दे दिए गए हैं। अगर जड़ से काटना है तो पाकिस्तान को या ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा या उनको धमकाना पड़ेगा, उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। 26/11 हमले में भारत को आतंकी साजिद मीर की भी तलाश है। लश्कर का कमांडर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट मीर ही इंटरनेशनल आतंकी हेडली को सारी जानकारी मुहैया कराता था। डेविड हेडली को आतंकी ट्रेनिंग देने वाला ISI अफसर मेजर इकबाल भी 26/11 हमले में वांटेड है। भारत को मिले बातचीत के सबूतों में इकबाल की आवाज भी शामिल है, लेकिन ये 26/11 के गुनहगार कब पकड़े जाएंगे, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। मुंबई पर हुए आतंकी हमले ने माया नगरी के सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी थी। दहशतगर्दों के हाथ बंधक बन गई थी मुंबई। इस हमले के बाद सरकार ने फूल प्रूफ सिक्योरिटी की बड़ी बड़ी घोषणाएं की, लेकिन अहम सवाल ये कि क्या मुंबई किसी भी आतंकी हमले के खतरे से महफूज है? 26 नवंबर 2008 समंदर के रास्ते मुंबई में घुसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पूरी माया नगरी को दहला कर रख दिया। सुरक्षा एजेंसियां काफी देर तक इसी गफलत में पड़ी रहीं कि ये गैंग वॉर है। जब तक उन्हें आतंकी हमले का एहसास हुआ, तब तक दहशतगर्द मुंबई के अहम ठिकानों पर आतंक का माहौल बना चुके थे। इस हमले से सबक लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे का जाल बिछाने का ऐलान कर दिया। योजना को अमल में लाने के लिए गृह मंत्री RR पाटिल कुछ अफसरों के साथ विदेश का दौरा भी कराए, लेकिन 300 करोड़ की ये योजना टेंडर निकालने की सरकारी खानापूर्ति के बाद इंच भर भी आगे नहीं खिसक सकी। आज भी मुंबई पुलिस ट्रैफिक के लिए लगाए गए सिर्फ 100 CCTV कैमरों पर निर्भर है। इनमें से भी ज्यादातर कैमरे खराब पड़े हैं। ये बेस्ट इक्विपमेंट कभी लाते नहीं है। जैसा हम बोल रहे कि आप वीडियो एनालिटिक्स लाओ इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग द CCTV, कौन मानता है? मुंबई पर हमला करने वाले सभी दहशतगर्द समंदर में ढीली चौकसी का फायदा उठाते हुए नाव के जरिए देश की सीमा में घुसे थे।
लिहाजा सरकार ने समुद्री सीमा में चौकसी सख्त करने का ऐलान किया था, लेकिन समंदर पर नजर रखने के लिए 50 करोड़ से ज्यादा की लागत से खरीदी गई 27 स्पीड बोट में से एक दर्जन से ज्यादा बोट्स खराब पड़ी हुई हैं। निकृष्ट तरीके से खरीदी की गई है स्पीड बोट जो बनाई गई आज बंद पड़ी है, कोई स्पीड बोट एक भी स्पीड बोट महाराष्ट्र सरकार की चालू नहीं है। छब्बीस ग्यारह के आतंकी हमले के बाद मुंबई पुलिस को आधुनिक हथियार और बुलेट प्रूफ गाड़ियां तो मिल गईं, लेकिन बम डिफ्यूज करने वाले सूट की क्वालिटी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। और तो और बम निरोधक दस्ते में शामिल 7 करोड़ की लागत वाला मोबाइल व्हीकल स्कैनर भी खराब पड़ा हुआ है। मोबाइल व्हीकल स्कैनर जो बम शोधक दस्ते में शामिल ये विशेष विदेशी कार है, वो पिछले कई सालों से यहाँ पर बेकार पड़ी हुई है। इसकी लागत तकरीबन 7 करोड़ रुपए की है। अब आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार आतंकवाद से निपटने में कितनी हद तक संवेदनशील है। हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री का दावा है कि मुंबई की सुरक्षा में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जा रही। 26/11 टाइप के अटैक से निपटने के लिए स्पेशल ऑपरेशन प्रोसीजर की मुंबई में तैनाती है। मरीन पुलिस समुद्री हमले से निपट सकती है और दूसरे मोर्चे पर भी एजेंसियां मुस्तैद हैं। चव्हाण अपनी ओर से चाहे कितने भी दावे कर लें, लेकिन सच यही है कि मुंबई में अभी भी सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह से नहीं किए जा सके हैं। दहशतगर्दों से मुंबई को पूरी तरह महफूज रखने के महाराष्ट्र सरकार भले ही लाख दावे कर रही हो, लेकिन मुंबई की सुरक्षा पूरी तरह पुख्ता करने की दिशा में महाराष्ट्र सरकार को और कई कदम आगे बढ़ाने की सख्त जरूरत है। ऐसा न बाजी मीडिया मुंबई। 26/11 का हमला तो पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने किया था, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से दहशतगर्दों के कई गुटों ने भारत के अंदर भी अपने मजबूत ठिकाने बना लिए हैं और इन ठिकानों पर लगातार रची जा रही है देश को दहलाने की साजिश। मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बाद से अब तक देश में 1.5 दर्जन से ज्यादा छोटे बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। पटना ब्लास्ट, गया ब्लास्ट, कांग्रेसी काफिले पर नक्सली हमला, पुणे ब्लास्ट, हैदराबाद ब्लास्ट जैसी कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। खुफिया एजेंसियां बार बार सिक्योरिटी अलर्ट जारी करती हैं, लेकिन सुरक्षा तंत्र की विफलता की वजह से देश के दुश्मन धमाका करने में कामयाब हो जाते हैं। जानकारों का भी मानना है कि इंटेलिजेंस और सर्विलेंस की अंदरूनी चूक की वजह से आतंकी वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस काफी गैप्स हैं, किए जा रहे हैं, देखना पड़ेगा, अभी हो सकता है 5 साल लगे, 6 साल लगे। इंटेलिजेंस एजेंसियों के अलर्ट पर गौर किया जाए तो देश में हुए तमाम धमाकों के पहले अलर्ट जारी होने की बात सामने आई है, लेकिन समय से सुरक्षा प्रबंध नहीं हो पाने की वजह से आतंकी अपनी साजिश को अंजाम देने में सफल रहे। पटना धमाके से पहले भी नरेंद्र मोदी और उनकी रैली पर हमला होने की चेतावनी खुफिया एजेंसियों ने दी थी। इसी तरह गया के महाबोधि मंदिर में हुए धमाके का अलर्ट भी काफी पहले जारी कर दिया गया था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए और आतंकी अपने टेरर प्लान के मुताबिक धमाका करने में कामयाब हो गए। साफ है कि खुफिया जानकारी तो आ जाती है, लेकिन उसका सही ढंग से फॉलो अप नहीं हो पाया। ऑर्डर तो पास किया है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की जिम्मेवारी है दूसरों को बताना, मगर फिर भी ये सिस्टम अभी ठीक से काम नहीं कर। जानकारों की माने तो पिछले 5 सालों के दौरान इंडियन मुजाहिदीन ने तो देश के कई हिस्सों में अपना मजबूत आधार बना ही लिया है। प्रतिबंधित संगठन सिमी के ट्रेंड आतंकी भी एक बार फिर देश को दहलाने की फिराक में लग गए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों पकड़े गए सिमी के आतंकियों ने पुलिस के सामने अपने टेरर प्लान का पूरा खुलासा भी किया था। इसी तरह देश में एक्टिव नक्सली संगठनों को ISI से मदद मिलने की बात का हाल ही में खुलासा हुआ है। साफ है कि देश की आंतरिक सुरक्षा लगातार खतरे में है, और अगर सुरक्षा एजेंसियों ने जल्द ही इस पर ध्यान नहीं दिया तो कभी भी 26/11 जैसा हमला दोबारा हो सकता है।
राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। 2011 हमले के बाद मुंबई की रफ्तार तो फिर पटरी पर लौट आई, लेकिन इस आतंकी घटना ने माया नगरी में रहने वाले कई लोगों को कभी न भरने वाले ऐसे जख्म दिए जिसकी टीस उनके दिलों में ताउम्र बनी रहेगी। मुंबई से सटे पनवेल में रहने वाले एकनाथ उम्बले को 26/11 की वो रात अब भी याद है। इन्होंने आखिरी बार अपने भाई तुकाराम उम्बले की आवाज सुनी थी। मुंबई पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर काम करने वाले तुकाराम ने आतंकी कसाब को गिरगांव में जिंदा पकड़ा था। चाबाज इंस्पेक्टर के भाई एकनाथ को इस बात का दुख है कि 5 साल बाद भी पुलिस और प्रशासन ने कोई सबक नहीं सीखा है। टेररिस्ट हमला होने के बाद जो बताया था कि सागरी किनारा बहुत मजबूत करेंगे, वहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो मजबूत करेंगे, या उस तरह से कुछ ठोस कदम बिल्कुल नहीं उठाए गए हैं। मुंबई के विले पार्ले में एक टैक्सी में रखे बम के शिकार श्याम सुंदर हो, या फिर सीएसटी पर कसाब की गोली से जख्मी हुई देविका, इनका संघर्ष आज भी जारी है। 5 साल पहले श्याम सुंदर अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन विले पार्ले में हुए ब्लास्ट ने इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इनके हाथ पैर खराब हो चुके हैं, कान के पर्दे फटने से वो ठीक से सुन भी नहीं पाते। सरकार एक एक विक्टिम के घर कभी तो भी जाकर देखना चाहिए, उनके पास उतना वक्त नहीं है हमारे लिए। मुझे सबकी तरफ से लेटर आए, लेकिन किसी ने यह आश्वासन नहीं दिया कि हम लोग आपको मिलेंगे, आपके पति का जो भी खर्चा है वो उठा। सीएसटी पर कसाब की गोली से जख्मी देविका को पूरी तरह पैरों पर खड़े होने में 5 साल लग गए। जख्म तो भर गए, लेकिन जिंदगी अब भी पटरी पर नहीं लौट पाई। हर एक जगह मुझे प्रॉब्लम आया, कोई नेता कोई मेरे घर में आके नहीं पूछा कि आप देविका कैसे हो, आपका 26 साल के बाद आपकी लाइफ में क्या हो रही, किसी ने मेरा हेल्प नहीं किया। मुंबई में हर साल की तरह इस बार भी आतंकी हमले में मारे गए बेगुनाहों और शहीद जांबाजों को श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन जब तक 26/11 के सभी गुनहगारों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए ऐसे आयोजनों के कोई मायने नहीं है। हमले में अपनों को खो देने वाले बार बार बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि उनके गुनहगार अब तक आजाद क्यों हैं? निवेदिता मिश्रा और कविता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। 5 साल पहले मुंबई में समंदर के रास्ते से घुसे लश्कर के 10 आतंकियों ने पूरी माया नगरी को दहला दिया था। सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया और एक आतंकी कसाब को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। आइए देखते हैं मुंबई पर हुए सबसे बड़े हमले में कब क्या क्या हुआ। 26 नवंबर 2008 कसाब समेत 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई में एक साथ कई जगहों पर हमला किया। इस हमले में एकमात्र जिंदा आतंकी आमिर अजमल कसाब को पकड़ लिया गया, जबकि लगातार चली मुठभेड़ में उसके 9 साथियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। 16 जनवरी 2009 आर्थर रोड जेल में विशेष अदालत में कसाब के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। 22 फरवरी 2009 उज्जवल निकम को इस केस में सरकारी वकील के तौर पर नियुक्त किया गया। 8 मई 2009 हमले के एक चश्मदीद ने कसाब की पहचान की। 23 जून 2009 हाफिज सईद और जकी उर रहमान लखवी समेत 22 लोगों के खिलाफ 26/11 हमले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया। 16 दिसंबर 2009 अदालत में 26/11 मामले की सुनवाई पूरी हुई। 6 मई 2010 स्पेशल कोर्ट ने कसाब को मौत की सजा सुनाई। 21 फरवरी 2011 बॉम्बे हाई कोर्ट ने कसाब की फांसी की सजा बरकरार रखी। 31 जनवरी 2012 कसाब ने अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
23 फरवरी 2012 सुप्रीम कोर्ट ने हमले के वक्त के सीसीटीवी फुटेज देखे, खुफिया एजेंसियों से मिले आतंकियों की बातचीत के टेप सुने और बाकी सबूतों पर भी गौर किया। 29 अगस्त 2012 सुप्रीम कोर्ट ने कसाब के लिए सजाए मौत का फैसला कायम रखा। 5 नवंबर 2012 राष्ट्रपति ने कसाब की दया याचिका को खारिज कर दिया। 21 नवंबर 2012 कसाब को फांसी पर लटका दिया गया। क्राइम रिपोर्टर में बस इतना ही। अगर आपके आसपास होता है कोई गुनाह तो आप हमें बताएं। हमारा पता है क्राइम रिपोर्टर FC19 सेक्टर 16 नोएडा उत्तर प्रदेश 201301। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। अब नवीन कुमार को दीजिए इजाजत, लेकिन चैन से सोना है तो अब जाग जाओ।